डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, फिजिक्स में हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका स्थिति क्या होगा, उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसका आरेख भी खींचा था कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसका आरेख कैसा खींचा जाता है, उसका आरेख कैसा होता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। चिन्ह परिपाटी क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, आपको सबसे पहले चिन्ह परिपाटी में जानना चाहिए कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब है वो चिन्ह परिपाटी के लिए आवश्यकता होता है। यानी कि चिन्ह परिपाटी का मतलब कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है, उसी से हम लोगों को पता चलता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब के स्थान का जो निर्धारण होता है उसकी दूरी के लिए चिन्ह परिपाटी की बहुत ही आवश्यकता होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर, किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिएगा। हम अभी जो लिखें कि कोई भी वस्तु कहाँ, उसको किसी भी स्थिति में रखने पर उसका जहाँ प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब के लिए हम लोग जो दूरियाँ निर्धारित करते हैं उसके लिए हम लोगों को क्या आवश्यकता है, चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी आवश्यकता कहाँ होता है, तो प्रतिबिंब की दूरियों को ज्ञात करने में, कि प्लस लिया जाए कि माइनस लिया जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि अक्ष होता है, किसी का भी अक्ष होता है जिसको हम लोग मूल बिंदु भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, अभी जब बाहरी सतह अगर पेंट कर दिए तब ये हो गया हम लोगों को अवतल दर्पण। ये क्या हुआ, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर मान लिया अंदर वाला सतह को अगर पेंट कर दिए तब ये हो गया हम लोगों का उत्तल दर्पण। इसके सेंटर से गुजरने वाला लाइन को कहते हैं हम लोग पी होता है और एक सी होता है, वक्रता केंद्र। इससे गुजरने वाले को बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यहाँ पे भी इसका सेंटर इधर होगा, पी इधर होगा और इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि अवतल दर्पण में भी मुख्य अक्ष होता है, उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष होता है। जैसा कि आप एक्सिस के बारे में जानते हैं, अक्ष के बारे में, कि अक्ष जो होते हैं ये वाई अक्ष होते हैं, ये क्या होते हैं, वाई अक्ष। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को ये है दर्पण, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया तो इसको बोलेंगे वाई अक्ष, दर्पण। ये हो गया वाई अक्ष, दर्पण, और ये हो गया हम लोगों को मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। दोस्तों इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पे दर्पण के लिए मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु, ठीक है। तो दर्पण के लिए मूल बिंदु क्या है, तो दर्पण के लिए मूल बिंदु P है, ठीक है। अब दोस्तों सभी दूरियाँ हम लोग किससे मापते हैं, तो मूल बिंदु से मापते हैं। मूल बिंदु का मतलब
ध्रुव से मापते हैं। तो पहले ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बना लीजिएगा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष दिखा दीजिएगा, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष दिखा दीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा कि जो हम लोगों का वाई अक्ष होता है वह दर्पण को सूचित कर रहा है, एक्स अक्ष जो होता है वह मुख्य अक्ष को सूचित कर रहा है, ये वाला लाइन, और इसका जो ध्रुव होता है दर्पण का इस अक्ष पे मूल बिंदु जैसा काम कर रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मूल बिंदु से दाई ओर होता है प्लस, दाई ओर क्या होता है प्लस, और मूल बिंदु से बाई ओर क्या होता है, मूल बिंदु से बाई ओर की दूरियां होती है माइनस। याद रखिएगा, मूल बिंदु से दाई ओर की दूरियां होती है प्लस, मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां, मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां होती है प्लस, ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से नीचे की दूरियां होती है माइनस। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मूल बिंदु होता है हम लोगों को एक तरीके का क्या है वो, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, तो मूल बिंदु का मतलब होता है वह ध्रुव। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग मूल बिंदु को क्या बोल सकते हैं, ध्रुव बोल सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप कि ये मूल बिंदु है और इसके नीचे की दूरियां क्या होती है, माइनस होती है, और बाएं तरफ की दूरियां माइनस, दाएं तरफ की दूरियां प्लस, ऊपर की दूरियां प्लस। यानी कि पहले ये डायग्राम को बनाना है, फिर ये डायग्राम, और फिर ये दोनों से रिलेटेड है ये डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी आप क्लियरली बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब उसके नीचे एरो देना है, एरो देकर लिखेंगे किसी दर्पण में कोई भी दूरियां, किसी दर्पण में कोई भी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। यानी कि देख पा रहे होंगे कोई भी कहीं की भी दूरियां हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, वो हमेशा कहाँ से मापा जाएगा, ध्रुव से मापा जाएगा, यानी कि P से मापा जाता है। ठीक है, और P से ऊपर की ओर की दूरियां क्या होती है, प्लस होती है, P से नीचे की ओर की दूरियां क्या होती है, माइनस होती है। फर्स्ट में तो लिख लिया हम लोग सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे मुख्य अक्ष की ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मुख्य अक्ष ये हम लोगों का हुआ, ठीक है, इसके ऊपर की दूरियां कैसी होती है, धनात्मक, ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, देख रहे हैं ना, ऊपर की ओर पॉजिटिव, वही लिखें मुख्य अक्ष की ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट एरो मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट एरो देकर दर्पण के बाई ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, दर्पण के बाई ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, तथा दर्पण के दाई ओर की दूरियां धनात्मक होती है, दाई ओर की दूरियां धनात्मक होती है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो पॉइंट्स लिखे हैं सभी पॉइंट्स वही है जो यहाँ पे हम लोग फिगरली ड्रॉ किए हुए हैं, कि मुख्य अक्ष की ऊपर की दूरियां प्लस, नीचे की दूरियां माइनस, दर्पण के दाई ओर की दूरियां प्लस, दर्पण के बाई ओर की दूरियां माइनस। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ये किसी भी दर्पण के लिए लागू होता है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं
आखिर किसी भी दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बनाएंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी जो टॉपिक्स बनाए हैं वो क्या टॉपिक्स हैं? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब दोनों में क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले आपको एरो देकर लिखना चाहिए कि फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है? छोटा एफ से, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। तो आर का फार्मूला होता है 2f, ठीक है। इसका मतलब आज से कोई पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल आर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, छोटा एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी, ठीक है। आप ध्यान से चीज़ों को देख पा रहे होंगे, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो R बराबर 2F का संबंध है, जहां R का मतलब वक्रता त्रिज्या, छोटा f का मतलब फोकस दूरी। तो R बराबर ये 2F फार्मूला हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, लिखा जाए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, नेक्स्ट एरो देकर लिखिएगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध R बराबर 2F का है। R बराबर 2F का है, या हम लोग लिख सकते हैं कि R बराबर 2F है तो फोकस का फार्मूला क्या होगा? तो R बटा में 2, ठीक है। फोकस जब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फोकस क्या लिख सकते हैं? तो R बटा में 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, इसको प्रूफ देखते हैं। उसके नीचे लिखेंगे प्रूफ R बराबर 2F। आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? प्रूफ करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को अब प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर कैसे होता है ये फार्मूला, ठीक है। चलिए, इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा अवतल दर्पण लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि एक अवतल दर्पण है। क्या नाम है इसका? तो इस अवतल दर्पण का नाम है MN, ठीक है। जिसका ध्रुव कहाँ है? P। जिसका सेंटर कहाँ है? C। और इससे गुजरने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या है? तो मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हम लोगों का मुख्य अक्ष है। अब हम लोग जानते हैं कि अनंत से अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है, अनंत से, तो किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि यहाँ हो जाएगा फोकस। और एक सेंटर से जब पास करती है, वो सेंटर से होकर गुजरती भी है, यहाँ से गुजर गई, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला एंगल अगर हम लोगों का टू थीटा रहेगा, तो ये भी पूरा टू थीटा होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण से, यानी कि जब भी समानांतर किरणें होती है तो एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये टू थीटा, तो ये भी कितना होगा? 2 थीटा। और 2 थीटा में ये दोनों बराबर बराबर होगा, यानी कि ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है। यानी कि ये वाला 2 थीटा है, तो ये वाला भी एंगल 2 थीटा होगा। अब 2 थीटा का बीचों बीच जो ये किरण देख रहे हैं, इसको आधा आधा बांट देगा, यानी कि थीटा और थीटा में, ठीक है। जब ये थीटा है दोस्त, ये वाला जब थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा? ये वाला भी होगा थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा और थीटा को ऐड करने से त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है।
त्रिभुज के बाह्य कोण का मतलब जानते होंगे आप, कि अगर कोई भी त्रिभुज है, एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो बाह्य जो भुजा होती है, बाह्य कोण जो होता है, अंदर वाले दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा हो गया ये वाला कोण, एक ठो ये तो थीटा रहेगा, तभी तो थीटा थीटा मिलकर यहाँ वाला 2 थीटा देगा, ठीक है। उसके बाद हम एम से एक लंब डालें, एम से एक लंब डालें, यहाँ हुआ टी, एम से एक लंब डाला टी पे, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को बनाने के बाद इसमें हम लोग क्या क्या माने हुए हैं, तो लिखा जाए, माना माना एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका बाहरी भाग कलई किया हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। लिखा जाए, माना एम एन एक अवतल दर्पण है, एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष पी सी है, जिसका मुख्य अक्ष पी सी है, और एम टी परपेंडिकुलर, सॉरी एम टी लंब पी सी खींचा। देख लीजिए, एम टी जो है लंब खींचे हैं किस पे, पी सी पे, ठीक है। एम टी लंब टू पी सी, पी सी पे लंब खींचा। सबसे पहले आप अगर ऐसा कर दिए यहाँ तक के, तो आप क्या हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, अब आप चित्र से चलिए, फिगर से, चित्र से, चित्र से आप जा चलेंगे तो यहाँ हम लोगों को क्या होगा, अगर हम लोग थीटा का वैल्यू अपनाएंगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू, तो क्या होगा, यहाँ से टैन थीटा का फार्मूला जानते हैं ना आप लोग, टैन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा में पी, यानी कि लंब बटा में आधार, ठीक है, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे जो हम लोग एम टी लंब खींचे हैं, ठीक है, चित्र में, तो इस एक त्रिभुज बन रहा है एम सी टी, एक त्रिभुज बन रहा है एम सी टी, ठीक है। अब इसमें अगर बात करेंगे हम लोग, तो त्रिभुज कौन सा में, एम सी टी में टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बट्टा बी, पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार, ठीक है। तो लंब कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम लोग एम सी टी में ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला होता है पी, नहीं, इसके सामने वाला होता है पी, तो पी कितना है, इसके सामने वाला लंब हो गया एम टी और आधार हो गया सी टी, तो यहाँ बोल सकते हैं एम टी बट्टा सी टी, ठीक है। अब दूसरा कि एक त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला एम एफ टी, ठीक है, एम एफ टी, अब लिखिएगा त्रिभुज एम एफ टी में, यहाँ पे लिख देंगे टेन टू थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या माने हम लोग, टू थीटा, तो टू थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, यानी कि एम टी बी हो जाएगा एफ टी, यानी कि टेन टू थीटा का फार्मूला पी बाई बी, पी का मतलब लंब और बी का मतलब आधार, और लंब कहाँ होगा, तो टू थीटा के सामने वाला लंब एम टी है, तो यहाँ लिख दिया एम टी बटा आधार, आधार कौन सा, तो त्रिभुज एम एफ टी का आधार कौन सा है, एफ टी, तो यहाँ रख दिया एफ टी, ठीक है, यहाँ पे रख दिया आधार, यहाँ पे हो गया एफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि टेन थीटा जो है और टेन टू थीटा दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही थीटा जो है छोटा कोण है, चूँकि चूँकि थीटा अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, ठीक है, थीटा जो है बिल्कुल ही छोटा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा जो है किसके बराबर होगा, टेन टू थीटा के बराबर। ये हम कब बोल रहे हैं कि टेन थीटा टेन टू थीटा के बराबर होगा, कब, जब जो है थीटा जो है अत्यंत छोटा है, जब थीटा अत्यंत छोटा रहता है
तब हम लोग टेन थीटा और टेन टू थीटा को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि टेन थीटा और टेन टू थीटा ऐसा माना जा रहा है कि बराबर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टेन थीटा और थीटा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए एक और बात लिख सकते हैं, टेन टू थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, टू थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू थीटा, ठीक है। और टेन टू थीटा की जगह पे क्या है, एम टी बटा एफ टी, क्या है, एम टी बटा एफ टी, ठीक है, एम टी बटा एफ टी। और ये टू है तो टू, थीटा जो है टेन थीटा के बराबर है, यहाँ पे ऐसे लिखता है, टेन थीटा जो है थीटा के बराबर होता है, टू थीटा का नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब थीटा अत्यंत छोटा हो, थीटा अत्यंत छोटा होता है, तो हम लोग एक बात केयर करते हैं, वो कौन सा, जब थीटा अत्यंत छोटा होता है तो टेन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा टू थीटा के नहीं, तो टेन थीटा जो है थीटा के बराबर है। तो जो इसलिए यहाँ पे टेन टू थीटा भी टू टेन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि थीटा के बगल में वन है तो सिर्फ वन थीटा, टेन टू थीटा का मतलब टू थीटा। तो टेन टू थीटा का वैल्यू था एम टी बटा एफ टी, और यहाँ टू है, थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ हम लोगों को इस कुछ इस तरीके से मिल रहा है, एम टी बटा एफ टी इज इक्वल टू टू इंटू एम टी बटा सी टी। तो हम लोग देख पा रहे होंगे एम टी ऊपर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है वन बाई एफ टी, यहाँ टी है, वन बाई एफ टी इज इक्वल टू टू बाई सी टी, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको पलटेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो इसको व्युत्क्रम कीजिएगा तो एफ टी इज इक्वल टू, इसको व्युत्क्रम कीजिएगा तो सी टी बटा में दो, ठीक है। अब देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि एफ टी जो है, ये जो टी बिंदु है, ऐसा माना जा रहा है कि पी के अत्यंत निकट है, ऐसा माना जाता है, माना कि बिंदु टी पी के अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है, इसलिए एफ टी के जगह पे हम एफ पी बोल सकते हैं, ठीक है। और सी टी के जगह पे क्या बोल सकते हैं, सी पी बोल सकते हैं, ठीक है। एफ टी के जगह पे एफ पी बोल सकते हैं, देखिए, चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि टी बिंदु जो है पी के अत्यंत निकट है, मतलब दोनों एक ही जगह है, इसलिए आप एफ टी बोलिए चाहे एफ पी बोलिए, दोनों का बात क्या है, बराबर है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो एफ टी जो है एफ पी के बराबर है और सी टी जो है सी पी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ पी बराबर सी पी बटा में दो, क्योंकि बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ पी इज इक्वल टू, अब एफ पी इज इक्वल टू, सॉरी, एफ पी इज इक्वल टू सी पी बटा में दो। अब आप एफ पी को क्या बोल सकते हैं और सी पी को क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एफ पी को हम क्या बोल सकते हैं, तो ये एफ है और ये पी है, इसको हम लोग फोकस बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वक्रता त्रिज्या है, सी से लेकर पी की दूरी को हम लोग आर कहते हैं। तो सी पी के जगह पे हम लोग आर पुट करेंगे और पी एफ या एफ पी के जगह पे हम लोग एफ पुट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, देखिए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे एफ पी को हम लोग एफ बोल रहे हैं और सी पी को हम लोग बोल रहे हैं आर, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ एफ पी की जगह हो गया एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है।
तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आर का वैल्यू क्या होगा, आर इज इक्वल टू 2f जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को ये चीज़ें प्रूव हो गया। तो आज हम लोग देखें प्रूफ कि r इज इक्वल टू 2f का प्रूफ कैसे होता है। यही बतलाता है वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध। तो आपको अगर से पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध क्या है, तो हम r बराबर 2f बोलेंगे। ठीक है, r का मतलब वक्रता त्रिज्या, f का मतलब फोकस दूरी। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।